كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूं रशीद हैदर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयात जावदान दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियां को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहिफ में, सलाम उस पर हुआ मजरू जो बाजारे ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्श खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी जात फख्र आदमियत है, सलाम उस पर कि जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर कि मिशकें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी। आज जश्न मिलादुन नबी के सिलसिला में गढ़ामोड़ शहर में भी दीगर शहरों की तरह अजीमो शान रैली निकाली जा रही है। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस रैली का एहतमाम जो है वो मरकजी मिलाद कमेटी गढ़ामोड़ के जो मरकजी अहदेदारान हैं उन्होंने किया है, और इस रैली को जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो हैं कारी अब्दुल मजीद साहब, जनाब मोहम्मद अरशद एडवोकेट साहब, और बाबा मोहम्मद तफैल अंजम साहब, और उनके दीगर साथी हैं जो इस रैली को सुपरवाइज कर रही हैं। और ये रैली जो है नौरानी मस्जिद गढ़ामोड़ से निकल रही है और ये मेन रोड बिहाड़ी मुल्तान रोड से होती हुई वापसी नौरानी मस्जिद पर ही इख्तिताम पज़ीर होगी। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उलमा ने मुस्तफ़ा किस अंदाज में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए जोशो खरोश से नारेबाजी कर रही हैं, और यहाँ पर जो मोहम्मद अरशद एडवोकेट साहब हैं वो उन्होंने अपना खिताब भी किया है। उन्होंने अपने खिताब में उन मुल्कों को खास करके टारगेट किया है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उन्होंने अपने इस बयान में ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम वो दीवाने हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जाने अपनी कुर्बान कर देंगे, जाने लौटा देंगे, लेकिन हम हजूर नबी करीम और नामोस रिसालत पर किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। और उन्होंने अपने बयान में दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसे लोग जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी लिहाज से भी अदावत और बुगज रखते हैं वो किसी भी तरह के ना मुसलमान हैं और ना ही हमसे उनका कोई ताल्लुक है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी रैली जो है नौरानी मस्जिद से ये निकलती हुई मेन जो मुल्तान बिहाड़ी रोड है इससे होती हुई दीगर जो चकूक हैं उनसे भी रैलियाँ इसमें शामिल होती गई। चक नंबर 82 से बहुत बड़ी रैली हाफिज़ गुलाम फरीद साहब की क़यादत में वो भी इसमें शामिल हुई। दीगर बस्ती सदीकाबाद से भी एक बहुत बड़ी रैली जो है वो इसमें शामिल हुई।
और इसके साथ साथ LBI पाकिस्तान फलाही तंजीम हाजी गुलाम यासीन की ज़ेर क़यादत भी एक रैली जो है वो चक नंबर 90WB और चक नंबर 82WB की मुश्तरक थी, वो भी इसी रैली के अंदर जम हुई और ये बहुत बड़ी रैली का रूप धार गई और ये रैली जो है ये वापसी नौरानी मस्जिद पर इख्तिताम पज़ीर हुई है। वहाँ पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया था और गुलामा ने मुस्तफ़ा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए, दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।